बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी फ्राई बनाएंगे, थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, बहुत ही चटपटी और बहुत टेस्टी बनती है। उसके लिए हमें भिंडी को थोड़े से मोटे मोटे साइज़ में कट करना है, बहुत बारीक नहीं करना है, क्योंकि भिंडी को बहुत चलाना होता है तो वो टूट जाती है। और उसके लिए हमें दो मीडियम साइज़ के प्याज थोड़े से मोटे मोटे कट करना है इन्हें भी। अब हम मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे, उसमें मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 1 टीस्पून चाहिए ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून चाहिए धनिया पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून चाहिए लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन सब मसाले को हमें साइड में रखना है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे भर के। भिंडी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। और हींग के साथ हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा 1/2 टीस्पून के बराबर, और फिर हम भिंडी को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। भिंडी के साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। चार से 5 मिनट हो गए हैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे, जो हम मसाला बना कर रखे हैं, जीरा, धनिया और लाल मिर्च का। और इसे भी एक नज़र अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और साथ ही हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। इससे हमारी भिंडी बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी बनकर तैयार होगी। इसे एक मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हम अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे ये प्याज। प्याज हमें अब ऐड करने से क्या होगा कि प्याज एकदम सॉफ्ट नहीं होगी और ब्राउन कलर नहीं होगी, तो ये मुँह में आएगी तो इसका बहुत ही अच्छा सा मीठा सा फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के साथ। हमें इसे लगातार चमचे चलाते हुए 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। पाँच से छः मिनट हो गए हैं। आपको इस स्टेज पर क्रिस्पी भिंडी, अगर आपको क्रिस्पी भिंडी पसंद है तो आप इसी स्टेज पे इसे बिल्कुल फ्राई करके क्रिस्पी कर लें। और अगर क्रिस्पी नहीं पसंद है, नॉर्मल पसंद है, तो फिर इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर नमक डालूँगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालने पर भिंडी में जो मॉइस्चर रहता है वो रिलीज होने लगता है, तो इसके लिए हमें नमक एकदम एंड में डालना है भिंडी में। और फिर हम इसे ढक के तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तीन मिनट बाद हम चेक करेंगे, भिंडी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसे हाई फ्लेम पे बस हमें 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये ज़बरदस्ती भिंडी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। बस 1 मिनट के लिए ही इसे फ्राई करना है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए ज़बरदस्ती हमारी भिंडी फ्राई बनकर तैयार है और इसका जो चटपटा टेस्ट है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सा है। आप भी इस तरीके से अगर
भिंडी को बनाएंगे, प्याज बाद में डालेंगे, तो जो हल्का सा मीठापन आएगा प्याज का वो अलग ही टेस्ट देगा और बहुत ही लाजवाब बनती है। इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही बेहतरीन लगती है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।